नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अशोक के अभिलेखों की चर्चा के दौरान मैंने अशोक के अभिलेखों की संख्या आपको पांच प्रकार के अभिलेखों की हमने बातें की। तो एक बार आप लोगों को फिर मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, क्या अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हमने बातें की थी और उनमें हम वैध लेखों की बातें हम कर चुके थे। अशोक के अभिलेख कितने पार्टों में बांटा दोस्तों, हमने पांच पार्टों में विभाजित किया। ठीक है, सबसे पहले शिलालेख, रॉक एडिक्ट, लेख को बोलते हैं एडिक्ट, और उसके बाद में दोस्तों अपना था स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट, अंतिम दोस्तों अपना था गुहा लेख या पृथक लेख, गुहा लेख अथवा पृथक लेख। ठीक है, तो तीन प्रकार बताए मैंने, मेनली तीन पार्टों में बांटा अपन को। इनके बाद में गुहा, इनके बाद में शिलालेख और स्तंभ लेख को हम दो पार्टों में और डिवाइड करेंगे। तो शिलालेखों की दोस्तों यदि बात की जाए तो मैंने क्या बताया था आपको, वृहद शिलालेख, लेख अथवा वृहद या दीर्घ शिलालेख। ठीक है, क्योंकि वृहद और दीर्घ दोनों का मतलब एक ही होता है, और वृहद क्योंकि आपको नाम कई बार वृहद की जगह दीर्घ मिल जाता है, कई बार दीर्घ की जगह वृहद मिल जाता है, इसलिए हम दोनों ही नामों की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों कौन सा आपका, लघु शिलालेख, दोस्तों यदि स्तंभ लेख की बात की जाए तो स्तंभ लेख में भी सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन था अपना, बृहद स्तंभ लेख अथवा दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। और दोस्तों वही स्तंभ लेख को दो पार्टों में, दूसरा कौन सा था अपना, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख या गुहा पृथक या पृथक लेख को हमने केवल और केवल एक ही पार्ट में डिवाइड किया, इसके अंदर हम इसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। तो देखो इनके बारे में क्या बताया मैंने, शिला लेख, शिला का आपको पता है शिला का अर्थ क्या होता है, पत्थर, और पत्थर पे जो लेख लिखे हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शिला लेख। दूसरा अपना कौन सा था, स्तंभ लेख, अर्थात किसी पत्थर पे पॉलिश करके स्तंभ, एक तरह से पिलर आप लोग जानते हैं, जो मतलब चार कोनों का पिलर बना दिया जाता है, ऐसे पिलर बना के उस पे जो लेख लिखे गए उसे बोला गया स्तंभ लेख। और उनको जगह जगह मतलब हर जगह पे कई राज्यों के अंदर अशोक ने अपने राज्यों के अंदर उनको लगवाया। ठीक है, उसको दो पार्टों में बांटा अपन ने, वही भरतवेद दीर्घ स्तंभ लेख और दूसरा लघु स्तंभ लेख। और लास्ट अपना कौन सा था, गुहा लेख अथवा पृथक लेख, इनकी बात अपन करेंगे। इसमें गुफाओं के अंदर अशोक के द्वारा जो लेख लिखाए गए, चार गुफाओं में अशोक के द्वारा लेख लिखाए गए थे, ठीक है, उनकी बात अपन करेंगे लास्ट में। तो चार की बात अपन को करनी है। देखो उसमें से अपन ने शिलालेखों की बात की थी, शिलालेखों में वृहद शिलालेखों की अपन ने बात की, आठ मैंने आपको बताए, आठ स्थानों पर कुछ याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। और लघु शिलालेखों की दोस्तों हम बात कर रहे थे, लघु शिलालेखों पर हमारी चर्चा जारी थी। तो एक बार फिर अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं लघु शिलालेखों की। बी कौन से थे दोस्तों अपने, लघु शिलालेख, लघु शिलालेखों के बारे में लगभग अपन ने चर्चा कर चुके हैं। तो मैंने क्या बताया था लघु शिलालेखों के बारे में, देखो लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, और लघु शिलालेखों छोटे का मतलब इसमें, यहाँ इसमें क्या बताया था मैंने कि वृहद शिलालेखों का हिस्से नहीं है और इनकी विषय वस्तु भी लघु वृहद शिलालेखों से अलग है। तो इनके अंदर क्या, अशोक सबसे मेन चीज क्या बताई थी मैंने, अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें लघु शिलालेखों के अंदर जानकारियां मिलती है। हाँ दोस्तों, सभी आप गुड मॉर्निंग, सभी आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। तो लघु शिलालेखों में दोस्तों क्या बताया था मैंने आपको कि लघु का मतलब छोटा और शिलालेखों के इनकी विषय वस्तु क्या है, अशोक के जीवन के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। और सबसे मेन जानकारी क्या बताई मैंने दोस्तों आपको कि अशोक नाम हमें कुछ शिलालेखों में अशोक नाम मिलता है, और बाकी सब लेखों के अंदर क्या नाम मिलता है अशोक का, देवानम प्रियम की उपाधि अशोक ने जो धारण की थी, केवल वो उपाधि से ही उसे संबोधित किया गया है। और इस लेख के अंदर किसने कुछ लेखों का नाम बताया था आपको, गुर्जरी, मास्का, उदयगोलम और नेंटूर, ठीक है, इनका नाम मैंने बताया था। इनके अंदर ही अशोक को सबसे अशोक नाम से संबोधित किया गया है। और उसमें भी सबसे पहले अगर बात की जाए तो मास्की के अंदर सबसे पहले अशोक को मास्की की मतलब खोज सबसे पहले की गई, जिसमें अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। ये अपन दोस्तों इतनी चर्चा हम लोग लघु शिलालेख के बारे में कर चुके थे, कुछ नाम मैंने लिखे थे कौन कौन से, मास्की, नेटूर, उदयगोलम, ये तीनों कहां बताए थे मैंने दोस्तों आपको, कर्नाटक के अंदर। इन तीनों कहां पे है, कर्नाटक, ठीक है।
और इसके बाद में एक अपना कौन सा था, एक और अपना आपको मैंने कहाँ बताया था, एक और बताया था मैंने आपको एमपी के अंदर, और एमपी के अंदर कौन सा था आपका, गुजरी नाम से था ये दोस्तों आपका एमपी में था। ये चारों किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इन चारों के अंदर अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा क्या नाम से संबोधित किया जाता था, देवानम प्रियम की उपाधि से और अभिलेखों में अशोक को संबोधित किया गया है। तो इसमें में सबसे पहले कौन, सबसे पहले मास्की के अंदर, सबसे पहले मास्की के अंदर अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया, अर्थात सबसे पहले खोज मास्की की गई थी, बाद में ये बाकी जो थे वो बाद में मिले स्तंभ, तो सबसे पहले इसलिए अशोक को मास्की के अंदर कहा गया। देखो और क्या, और थोड़ा सा और चर्चा कर ले अपन लघु शिलालेखों के बारे में। देखो कुछ लघु शिलालेख आपको मिलते हैं वो कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुए हैं, देखो कुछ नाम है, रूपानाथ जैसे गुजरी की अपन ने बात कर ली, रूपानाथ नाम आएगा आपका, बाबरू आएगा, सैसाराम आएगा, दो तीन नाम लिखवाया था आपको मैं, रूपानाथ, बाबरू और सैसाराम, ठीक है। तो तीन चार नाम आपको ऊपर लिखवा दिया मैंने और कुछ तीन नाम आपको नीचे लिखाए, उन तीन नामों में से क्या पहला कौन सा आपका, पहला आपका दोस्तों है रूपानाथ, और दूसरा आपका कौन सा दोस्तों, रूपानाथ के अलावा बाबरू, और तीसरा कौन सा, सैसाराम। तो इन तीनों का नाम लिखा है, सैसाराम का आपको पता है, सैसाराम का है वर्तमान बिहार के अंदर। यहाँ पे हमें किसकी सैसाराम के बारे में क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पे किसकी समाधि है, यहाँ पे आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा सैसाराम के अंदर ही स्थित है, पानी के बीच में, ठीक है, याद रखना आपको। और बाबरू के बारे में देखो मैंने आपको, बाबरू के बारे में थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखें, बाबरू वर्तमान विराटनगर के अंदर स्थित है। थोड़ा सा बाबरू के बारे में स्पेशल चर्चा करते हैं, कुछ दो तीन नए फैक्ट्स आपको मिलेंगे सीखने को यहाँ पे, हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। तो देखो एक आपका जो लघु शिलालेख है वो है बाबरू शिलालेख, बाबरू शिलालेख। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए बाबरू शिलालेख की, तो बाबरू शिलालेख के बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि स्थित कहाँ पे है, बाबरू शिलालेख हमें कहाँ से मिला था। तो दोस्तों इसके मिलने की अगर बात की जाए तो ये अपने को मिला था वर्तमान विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर के पास में विराटनगर स्थित है, वहां पे हमें ये मिलता है, ठीक है। किसके द्वारा इसकी इसको खोजा गया, कैप्टन बर्टन के द्वारा, कैप्टन बर्टन के द्वारा खोजा गया था इसको, ठीक है। वर्तमान में स्थित ये कहां पे है ये शिलालेख, अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो विराटनगर में नहीं है, इसको यहां से उठा के कलकत्ता के म्यूजियम में अंग्रेजों के द्वारा रखवा दिया गया था उसी समय पे, ठीक है, कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है, म्यूजियम या संग्रहालय, म्यूजियम अथवा संग्रहालय। तो ये याद रखें दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा आपसे पूछता है कि अशोक के किस अभिलेख को कलकत्ता म्यूजियम में रखवाया गया है, तो आपको क्या बताना है, बाबरू अभिलेख, या फिर आपके बारे में आपसे पूछ रहे कि बाबरू शिलालेख या बाबरू लघु शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई, क्या बताना आपको, कैप्टन बर्टन के द्वारा। उसके अलावा बाबरू शिलालेख कहाँ स्थित है, तो विराटनगर जयपुर में स्थित है, NH 8 पे स्थित है, जयपुर से दिल्ली जाते हैं उसके बीच में विराटनगर। देखो सबसे बड़ी बात क्या है बाबरू शिलालेख के बारे में, ये अशोक के वर्तमान में अभी तक सबसे जितने भी शिलालेख मिले हैं अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है बाबरू शिलालेख, ठीक है। और इसमें संघ और धमकी शरण में जाने का उल्लेख किया गया है, मेन चीज क्या याद रखनी है अपने को इसके बारे में, देखो दोस्तों मेन चीज इसके बारे में अपने को क्या याद रखनी है, संघ में जाने की बात कही है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा शिलालेख है सबसे, इसीलिए उसे कहां रखवाया गया, म्यूजियम में अंग्रेजों के द्वारा, सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का, सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है, पुस्तक में पहले लिख लिया अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो ये चीज मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है सारी चीजें, फैक्ट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपसे एग्जाम के अंदर बाबरू शिलालेख से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार इस चीज पे इंफेसाइज कर रहा हूँ कि आप इसको इसके बारे में स्पेशल पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ से। तो एक और चीज आपको मिली, सबसे बड़ा शिलालेख है, और तीसरी चीज विषय वस्तु क्या है इसकी, इसके अंदर क्या बताया गया है अशोक के बारे में, इसमें धम्म की शरण में जाने और बुद्ध संघ में जाने की बात कही गई है, बुद्ध संघ व धम्म के नीचे दिख रहा होगा आपको, बुद्ध संघ यानी कि बुद्ध संघ का मतलब बौद्ध संघ के अंदर बौद्ध धर्म अपनाने की, संघ एवं धम्म की शरण में जाने की चर्चा की गई है, धम्म की शरण में जाने का उल्लेख किया गया है, जाने का उल्लेख या वर्णन किया गया है, ठीक है। दोस्तों ये कुछ बात की अपन ने शिलालेख लघु शिलालेखों के बारे में,
दो प्रकार के शिलालेखों की बात हमने की, पहले कौन से वृहद या दीर्घ शिलालेख, दूसरे कौन से लघु शिलालेख। वृहद या दीर्घ शिलालेख के बारे में मैंने क्या बताया आपको, आठ स्थानों से मिले थे, आठ स्थानों के मैंने नाम आपको बताए, मानसेरी, शाहबाजगढ़ी, सापोरा, गिरनार, कालसी, दोली, जोगड़ और एरंगुड़ी, ठीक है, कुछ ऐसे बताए मैंने आपको, उनकी कुछ ट्रिक भी बताई थी। उसके अलावा दूसरा अपना कौन सा था, लघु शिलालेख। लघु शिलालेखों के बारे में अपन ने क्या बात की, इनके अंदर इनकी विषय वस्तु क्या है लघु शिलालेखों की, लघु शिलालेखों की जो है वो वृहद शिलालेखों से अलग विषय वस्तु इनकी और इतनी विस्तृत नहीं है, उनके बारे में बातें इतनी ज्यादा कुछ नहीं है। और अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इनमें बताया गया है। तो अशोक का अशोक नाम कहाँ मिलता है, तो चार का नाम हमने दिखा, एक गुजरी नाम से कहाँ मिलता है एमपी के अंदर, यानी कि सबसे अलग, और बाकी तीन आपको कहाँ मिलेंगे कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में कौन कौन से थे, मास्की का नाम बताया मैंने आपको, मास्की सबसे पहले अशोक का नाम वहीं पे खोजा गया था, मास्की की खोज सबसे पहले की गई थी, ठीक है। उसके अलावा दो और नाम थे, नेटुर और उदयगोलम, ये तीन नाम आपको कर्नाटक में मिलते हैं। तो क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है दोस्तों, तो इसलिए इसको याद कर ले, क्योंकि मौर्य काल से क्वेश्चन आते हैं और मौर्य काल में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं अशोक से, और अशोक में भी ये कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको जो आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे आते हैं। और उसके अलावा क्या, बाबरू अभिलेख को आप याद रखें, बाबरू अभिलेख के बारे में कुछ बातें की, कुछ नाम और बताया मैंने आपको, रूपानाथ, बाबरू और सहसाराम, ये नाम और याद रखना है। तो दोस्तों शिलालेखों की चर्चा हम लोगों ने, लघु शिलालेखों की चर्चा हम लोगों ने कर ली, अपन बात करेंगे स्तंभ लेखों के बारे में। तो स्तंभ लेखों के बारे में मैंने आपको बताया कि स्तंभ लेखों की संख्या क्या है, स्तंभ लेखों की संख्या भी, स्तंभ लेखों को भी अपन ने दो भागों में विभाजित किया, दीर्घ या वृहद स्तंभ लेख और दूसरे कौन से लघु स्तंभ लेख। तो देखो अगर वृहद स्तंभ लेखों की दोस्तों बात की जाए तो इनको भी दो, इनको भी, इनको सात, छह स्थानों से सात आपको स्तंभ लेख मिलते हैं, छह स्थानों से सात स्तंभ लेख मिलते हैं। अब वो स्थान छह कौन कौन से थे उनकी बात अपन करेंगे। तो देखो मैं एबीसी के नाम से डाल रहा हूं, शिलालेखों में दो ए बी हो गए, अब स्तंभ लेखों में पहला आपके वृहद स्तंभ लेख को सी डाल दिया, इसको डी डालेंगे और इसको ई डालेंगे, ठीक है, डी ई। तो सी में कौन सा अपना वृहद अथवा दीर्घ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है। तो अपन दोस्तों बात करने वाले हैं वृहद अथवा दीर्घ स्तंभ लेख के बारे में, यानी कि वृहद अथवा दीर्घ स्तंभ लेख क्या है, इनकी विषय वस्तु क्या है, किस चीजों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो देखो दोस्तों मैंने बताया आपको सबसे पहले कितने स्थान से मिले हैं, इसके अंदर क्या बताया गया है, इनकी कुल संख्या क्या है। देखो दोस्तों इनकी कुल संख्या सात है और छह अलग अलग स्थानों से आपको ये मिले हैं, कुल संख्या कितनी है इनकी सात, और कितने स्थानों से मिले हैं सात, छह अलग अलग स्थानों से मिले हैं आपको, अलग अलग स्थानों से मिले हैं। देखो इसके बारे में आपसे मेनली क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो वृहद या दीर्घ स्तंभ लेख हैं इनके बारे में कुछ अलग है। तो देखो इनकी बातें अपन करते हैं, इन सातों छहों के बाद छह स्थान कौन कौन से छह स्थानों से आपसे आपको मिले हैं। तो देखो सबसे पहले आपका आता है प्रयाग या इलाहाबाद, प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है, प्रयाग या इलाहाबाद का नाम सबसे पहले आता है। देखो इसके बारे में याद रखना है, ये पहले क्या था, कौशाम्बी में स्थित था, पहले कौशाम्बी में स्थापित था, अशोक के द्वारा कहीं स्थापित करवाया गया था इसको, कौशाम्बी के अंदर अशोक के द्वारा स्थापित करवाया गया था, परंतु कालांतर में अकबर के द्वारा इसको वहां से उठा के कहां स्थापित करवा दिया गया, वर्तमान प्रयाग अथवा इलाहाबाद के अंदर। तो कौशाम्बी कहां है, कौशाम्बी वर्तमान में यूपी के अंदर है, कौशाम्बी से अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया। खैर वैसे इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो आप प्रयाग लिख लें, प्रयागराज आपको याद रह जाएगा, अकबर द्वारा प्रयागराज या प्रयाग स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। एक दोस्तों अशोक की जब अपने बात की स्टार्ट की थी, अशोक के बारे में लेक्चर स्टार्ट किया, तब मैंने आपको बताया था उनकी पत्नियों के बारे में, पत्नी और पुत्रों के बारे में। तो मैंने आपको कुछ कारुव की उनकी पत्नी का नाम बताया था और एक पुत्र का नाम तिवर बताया था। तब मैंने ये बात भी आप लोग, ये चर्चा भी आप लोगों से की थी, अभिलेखों में अशोक के केवल एक पुत्र और पुत्री, एक पत्नी और एक पुत्र का नाम ही वर्णित होता है, वो कौन कौन से, कारुव की और तिवर। तो उनका वर्णन कहाँ मिलता है अपने को, प्रयाग या इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसी के अंदर ही उनकी पत्नी कारोकी और तिवर का नाम मिलता है, हमें उसकी चर्चा मिलती है, ठीक है, ये और याद रखें आप, कारोकी अशोक की पत्नी पुस्तक में लिख लें। किसी ने अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा उसके अंदर आपको मिल जाएंगी जानकारी, उनकी कितनी पत्नियां थी और उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, उनके पुत्रों के बारे में, महेंद्र संगमित्रा के बारे में चर्चा की थी। तो कारोकी कौन थी, उनकी पत्नी थी अशोक की, और दूसरा कौन सा, वह तिवर, एक पुत्र का नाम था तिवर,
अशोक का पुत्र था। तो इन दोनों का वर्णन क्या मिलता है, एक केवल और केवल दो का ही नाम आपको, इनके एक पुत्र, एक पत्नी और एक पुत्र का ही नाम आपको अभिलेखों में मिलता है, और वो भी कौन से स्तंभ लेख में मिलता है आपको, प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ लेख के अंदर। तो करो की व तीवर का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। एक दोस्तों कालांतर में ये जो अशोक का अभिलेख था इसे क्या कहा जाता है, देखो इसे रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको इस पे कारोबी का नाम मिलता है, इसलिए किस नाम से, रानी का अभिलेख, रानी का, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ें, अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है, क्योंकि कारवकी का वर्णन इसमें है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कारवकी के द्वारा इसके उसके ऊपर कुछ लिखवाया गया था, तो ये रानी का अभिलेख। और दोस्तों क्या क्या यहाँ पे और क्या क्या हमें इस जो अपने वैध स्तंभ इलाहाबाद के, जो प्रयाग है इलाहाबाद की बात बन कर रहे हैं, इसमें और अपने को क्या क्या मिलता है, और यदि बात की जाए इसमें जहांगीर का अभिलेख भी हमें मिलता है, बीरबल का अभिलेख भी मिलता है, ठीक है, जहांगीर का अभिलेख मिलता है और बीरबल का अभिलेख भी हमें यहाँ से मिलता है। और उसके अलावा सबसे पहले कौन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। समुद्रगुप्त ने क्या किया, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त गुप्त शासकों में से आया कि जब चर्चापन करेंगे तो उनमें एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपने सामने कौन आएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में क्या प्रचलित था, ये वीणा बजाता था, वीणा बजाने वाले सिक्के इसने स्थापित करवाए। दूसरी चीज क्या मिलेगी अपने को, इसके बारे में चर्चा मिलेगी, इसका जो घोड़ा था वो तीनों समुद्रों का पानी पीता था, यानी कि अरब सागर का भी पीता था, इधर बंगाल की खाड़ी का भी, और नीचे साउथ में जाके भी, यानी कि तीनों उसी साइड सारी साइडों में इसने अपना साम्राज्य फैला दिया था। समुद्रगुप्त की गुप्त का विलेख, गुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, जैसे प्रशस्ति पत्र वर्तमान में भी दिए जाते हैं, तो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो प्रयाग में इस अभिलेख अशोक के द्वारा स्थापित इस स्तंभ लेख के ऊपर अशोक के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा अपना प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया गया था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है, लिखाया वर्णित है, ठीक है। दो बातें बताई मैंने, उसके अलावा क्या बताया, जहांगीर का अभिलेख भी है यहाँ पे और बीरबल का अभिलेख भी इस पे उत्कीर्णत है। जहांगीर व बीरबल का नीचे दिखेगा आपको, जहांगीर व बीरबल का अभिलेख, बीरबल का, दोनों अलग अलग है दोस्तों, दोनों जहांगीर का अभिलेख अलग है और बीरबल का अभिलेख अलग है, ये भी इस पे उत्कीर्णत है, दिख रहा है नीचे दोस्तों, नहीं दिखे तो प्लीज कमेंट करें आप, भी उत्कीर्णत है, तो जहांगीर व बीरबल का अभिलेख भी उत्कीर्णत है। तो दोस्तों आपके कमेंट्स, प्लीज आप लोग कंसंट्रेट रहें, कमेंट्स पे ध्यान मत दें, कमेंट कम करें और आप लेक्चर पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना चल रहा है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो देखो प्रयाग और इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेखों के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या बात है कि मैंने पहले कहा था, कौशाम्बी से अकबर के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में स्थापित करवाया गया, यानी कि इससे पहले कहाँ था, कौशाम्बी में था, वहां से अकबर कहाँ लाया इसको, इलाहाबाद के अंदर। उसके अलावा कारो की या पत्नी, जो अशोक की पत्नी थी कारो की, उसका और अशोक के एक पुत्र तीवर, तीवर का नाम इसमें मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। उसके अलावा इसे क्या कहते हैं, रानी का विलेख भी कहा जाता है इसे, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी इसके ऊपर लिखी हुई है। उसके अलावा दोस्तों जहांगीर व बीरबल का विलेख भी इस पर उत्कीर्णत है। तो सबसे कुल सात में से कुल छह अलग अलग स्थानों में से पहले की बात हमने की प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद इसे कहा जाता है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे दूसरे की, टोपरा, और तीसरा कौन सा था, मेरठ, दूसरा दोस्तों कौन सा आएगा अपना, टोपरा, टोपरा स्तंभ लेख, दूसरा दोस्तों हम चर्चा करेंगे टोपरा, टोपरा स्तंभ लेख। देखो टोपरा के बारे में कुछ विवादास्पद बातें हमें मिलेंगी। टोपरा वर्तमान, देखो टोपरा, टोपरा की बात यदि की जाए तो टोपरा के बारे में ऐसा माना जाता है कि टोपरा कहां पे स्थित है, टोपरा हरियाणा के अंबाला में स्थित है, ऐसा भी माना गया इतिहासकारों के द्वारा, हरियाणा के अंबाला से उठा के लाया गया था इसको, हरियाणा के अंबाला से। और देखो एक इतिहासकार है, उनका नाम है शम्स ए सिराज, उनके द्वारा क्या माना गया,
कि यूपी में यूपी टोपरा यूपी के अंदर स्थित था और वहां से उठा के इसको लाया गया दिल्ली के अंदर। शम से सिराज के अनुसार, शम से सिराज के अनुसार अनुसार यूपी से दिल्ली में लाया गया, दिल्ली लाया गया। और दोस्तों लाया कौन, देखो लाया कौन इसकी बात अपन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से उठाकर इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवा दिया गया। ठीक है, कहां पे स्थापित करवा दिया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर स्थापित करवा दिया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। तुगलक शासक थे फिरोज तुगलक, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर हम चर्चा करेंगे फिरोज तुगलक के बारे में। काफी नहरों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया वहां से उठा के। ठीक है, दिल्ली में स्थापित कर दिया। ये कौन सा दूसरे की बात अपन कर रहे हैं, टोपरा स्तंभ लेख की बात दोस्तों हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं। देखो इस जो दिल्ली में टोपरा का स्तंभ है इसके बारे में एक सबसे खास बात और क्या है, इसमें 7 लेख लिखे हुए हैं। इसमें क्या लिखे हुए, जैसे अपन ने पहले बात की थी अपन ने 7 लेख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे 7 लेख लिखे हुए इसमें और बाकी सब में केवल 6 ही मिलते हैं। इसमें 7 लेख लिखे हुए हैं भाई, अन्य में कितने को वर्णन मिलता है दोस्तों अपने को, अन्य में 6 लेख लिखे हुए मिलते हैं, अन्य जगह 6 लेख लिखे हुए हैं, 6 लेख मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी टोपरा स्तंभ लेख के बारे में। तो दो स्तंभ लेखों की चर्चा दोस्तों हमने की अभी तक, दो स्थानों के बारे में हमने पढ़ा, अब तीसरा अपना कौन सा आएगा, तीसरे के बाद में बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। अब दो की बात हम लोग कर चुके, तो देखो क्या बता रखा है मैंने, कुल संख्या कितनी 7, स्थान कितने 6, उनमें से कितने की बात कर ली अपन ने, दो की बात कर ली। तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा आपका है मेरठ। मेरठ कहां है वर्तमान में, यूपी के अंदर स्थित है। तीसरा मेरठ, मेरठ से कहां लाया गया, दिल्ली, इसके द्वारा वही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये मेरठ में स्थापित किया गया था अशोक के द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा इसको कहां स्थापित कर दिया गया, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। देखो फिरोज तुगलक के बारे में थोड़ा सा याद रखना आप, फिरोज तुगलक का टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे इसके बारे में, 1351 से 1388 तक इसका टाइम पीरियड था ईस्वी। ठीक है, यानी कि काफी अशोक के कम से कम 1300-1350 साल वो और 300 साल वो, 1350-1250 साल मान लो आप, यानी 1600 साल के बाद में इसको वहां से उठा के वहां उसके द्वारा किया गया। तो दो मेरठ और टोपरा, इन दोनों को दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया, ये आप याद रखें। क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के चांसेस है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से यहाँ से भी। ठीक है, तो ये तीन स्थानों की हमने बात कर ली दोस्तों। अब देखो कुछ तीन स्थान और कौन से थे, तीन स्थान आपको मिलेंगे बिहार के अंदर, 6 स्थान थे उन 6 में से 3 की बात हमने की, और 3 स्थान जो आपको मिलेंगे और कर्मानंतर वो बिहार में मिलेंगे, लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरेराज और रामपुरवा, 4, 5 और 3रा 6। तो देखो लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरेराज अथवा अरराज भी मिलता है नाम आपको, और लास्ट कौन सा दोस्तों आपका रामपुरवा। तो आपके 6 स्थान हो गए पूरे कंप्लीट, 6 अलग अलग स्थानों से बताया था मैंने, 3 का नाम पहले बताया मैंने आपको, 6 का नाम ये, 3 का नाम ये बता दिया। तो देखो इनके बारे में सबसे पहले क्या याद रखना, ये तीनों कहां स्थित है, बिहार के चंपारण जिले में। चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे अपन, गांधी जी की बात करेंगे, गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी, चंपारण में, नील की खेती के विरुद्ध वो लोग वहां के किसानों के साथ में सबसे पहले अपना सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे गांधी जी, तो उसी चंपारण जिले के अंदर तीनों स्थापित हैं, लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरेराज और रामपुरवा, बिहार के कौन से, चंपारण जिले में, चंपारण जिला। ठीक है,
देखो इनमें से भी एक सबसे इन तीनों के बारे में कुछ स्पेशल अपने याद नहीं रखना, केवल बिहार में स्थित है तीनों, ये याद रखना है आपको। और केवल ये आपका पहला जो दिख रहा है लोरिया नंदगढ़, इसके बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे में क्या मिलता है, मोर का चित्र इस पे अंकित मिलता है, मोर के चित्र को अंकित किया गया है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र अंकित किया गया है अशोक द्वारा, मोर का चित्र अंकित है। तो दोस्तों हमने कुल छह स्थानों पे सात इनके बारे में बात की, छह मैंने आपको बताए, हमने मोर का चित्र आपको बताया, बिहार के चंपारण में सारे के सारे तीनों के तीनों, तो सीधा सीधा आपको याद हो जाएंगे मेरे ख्याल से आसानी से, कोई ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को इसमें होगी नहीं। तो अपने क्या बात की अभी, वृहद या दीर्घ स्तंभ लेखों के बात की। अब दोस्तों अगला अपना कौन सा आता है, अगला अपने अब आगे अपन चर्चा करेंगे लघु स्तंभ लेखों के बारे में, कि अशोक के जो लघु स्तंभ लेख थे वो कहाँ मिलते हैं, उनके अंदर क्या चर्चा की गई है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सी तक अपन ने चर्चा कर ली, जैसे मैं अपने मार्किंग दे रखी डी लघु स्तंभ को, अपन लघु स्तंभों की बात अपन करने वाले हैं आगे। स्तंभ लेखों की बातें के क्रम में कौन से की बात करने वाले हैं दोस्तों, अब अपन लघु स्तंभ लेखों की बात करने वाले हैं, लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख देखो दोस्तों, लघु स्तंभ मैंने बताया आपको कि दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है और लघु का अर्थ होता है छोटा, यानी इसके अंदर कुछ ज्यादा वर्णन आपको मिलेगा नहीं, कुछ छोटे छोटे एक दो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे अशोक के द्वारा। सबसे पहले देखो इनकी विषय वस्तु क्या थी, इनके अंदर किस तरह की बातें की गई लघु स्तंभों में, वो अपन बात करते। तो लघु स्तंभों के अंदर दोस्तों अशोक के द्वारा क्या किया गया था, अशोक के द्वारा सरकारी घोषणाएं अथवा राजकीय घोषणाएं की गई है सारों के अंदर, ठीक है, क्या की गई है, सरकारी अथवा राजकीय घोषणाएं, सरकारी या राजकीय की ये घोषणाएं की गई है, मतलब ऐसी घोषणाएं सरकारी या राजकीय घोषणाएं कौन सी होती है, वर्तमान में सरकार कुछ घोषणाएं करती है, यानी कि वो चीजें जो ऑफिशियली उनके द्वारा जारी की जाती है और उनका पालन करना जनता का परम कर्तव्य होता है, उसे कहा जाता है सरकारी या राजकीय घोषणाएं। उसी क्रम में अपन कुछ बातें करेंगे, कुछ के बारे में अपन पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं सांची का जो लेख है उसके बारे में, सांची की बात करेंगे अपन, सारनाथ की बात करेंगे, सुरुमन देवी का बात करेंगे, सबसे सांची लेख की बात करते हैं, सांची का लेख। सांची दोस्तों वर्तमान में कहां स्थित है, वर्तमान में आपके एमपी के अंदर सांची स्थित है, ठीक है, सबसे पहले ये याद रखें अपन कहां स्थित है, एमपी के भी रायसेन जिले में, एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में, लोकेशन याद करने से आपको जल्दी नाम याद रहता है, आप सीधा सीधा रटने की चीज करें कोशिश करें किसी चीज को, उसकी वजह अगर लोकेशन से आप याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा आपको। तो सांची लेख की दोस्तों यदि बात की जाए तो सबसे पहले क्या, एमपी के रायसेन जिले में, और सांची लेख की विषय वस्तु क्या थी दोस्तों, इसमें देखो अशोक के द्वारा क्या घोषणा की गई है, सरकारी घोषणा की गई थी, इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को सजा देने की बात अशोक के द्वारा की गई है, क्या बात की गई है, बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को सजा की बात की गई है, बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को सजा का उल्लेख, डालने वालों को सजा का प्रावधान, ठीक है, मैंने बताया था कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, इनमें केवल और केवल अशोक के द्वारा राजकीय घोषणाएं की गई हैं। तो पहला अपने सांची के उल्लेख की बात, सांची के लेख की बात की, या सांची के स्तंभ लेख के लघु स्तंभ लेख की बात की। दूसरा दोस्तों अपना कौन सा आएगा, दूसरा अपने आएगा सारनाथ का लेख, इसमें भी कुछ धमकी भरे हुए, केवल नाम याद रखें, अंदर की विषय वस्तु आपसे वैसे कोई पूछेगा नहीं, केवल मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। दूसरा कौन सा दोस्तों, सारनाथ का लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, इस सारनाथ के स्तंभ लेख के अंदर दोस्तों क्या बात की गई, इसमें भी कुछ धर्म, सारनाथ सबसे पहले स्थित कहां पे है, सारनाथ वर्तमान में कहां स्थित है, तो आपको बता दो वर्तमान में यूपी के अंदर सारनाथ स्थित है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर भी कुछ धमकी भरे प्रावधान किए गए हैं जनताओं के, कुछ बातें बताई गई है जनता को कि आपको ऐसा करने पर ऐसी सजा दी जाएगी या फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसे कुछ कहा गया है। तो विषय वस्तु क्या याद रखें अपन, धमकी भरा संदेश, ठीक है, धमकी भरे संदेश की घोषणा सारनाथ के स्तंभ लेख के द्वारा, अशोक के द्वारा सारनाथ के स्तंभ लेख के माध्यम से की जाती है। और दोस्तों तीसरे की अपन बात करें तो एक रुमनदेही का लेख की अपन ने बात की थी, रुमनदेही लेख की बात मैंने जब बताया था अशोक के बारे में बात की थी कि उसने अपने शासनकाल के दौरान कहाँ की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा की थी, और लुम्बिनी की यात्रा के द्वारा क्या किया गया था अशोक के द्वारा,
कर जो था उसकी संख्या उसको 1/8 से 1/6 से घटा के कितना कर दिया था 1/8, और धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया था। रुमिन देई स्तंभ लेख या विलेख, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या घोषणा की गई है अशोक के द्वारा, ये लेख लगवा के इसमें क्या लिखा गया है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, इसके अंदर अशोक कहाँ क्या करता है, कहाँ की यात्रा करता है, लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध के जीवन काल से जुड़ा हुआ स्थल है। वर्तमान में कहाँ स्थित है ये रुमिनी लेख, वर्तमान में नेपाल की तराई, नेपाल के अंदर स्थित है और नेपाल की तराई में स्थित है। तराई का मतलब क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों का निचला भाग, उसे तराई कहा जाता है। लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन है इसमें कि अशोक के द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई थी और वह कर की दर कितनी कर दी गई थी, कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8, 6 से 1/8 कर दी। प्लस एक चीज और की गई वहां पे, उन लोगों पे धार्मिक कर जो अशोक के द्वारा लगाया जाता था और स्थानों के जनता पे, लुम्बिनी के लोगों पे धार्मिक कर नहीं लगाया गया अशोक के द्वारा, उस कर को समाप्त कर दिया गया था यहाँ की यात्रा के दौरान, वहां पे घोषणा करके आए थे वो। जैसे वर्तमान में जैसे मान लो मोदी जी अपने यहाँ पे आए, जयपुर में आए, तो यहाँ आते हैं तो कुछ घोषणाएं करके जाते हैं, कुछ ना कुछ घोषणाएं करके जाते हैं। उसी प्रकार अशोक ने जब वहां की यात्रा की तो उसने भी कुछ घोषणाएं की, उसमें क्या किया, कर घटा दिया, कर की दर 1/6 से 1/8 कर दी गई, और दूसरी बात धार्मिक कर को समाप्त कर दिया, धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली थी, समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने तीन की बात, अपन ने क्या बात की, अपन ने तीन की बात कर ली, सांची की बात कर ली, सारनाथ की बात की और रुमनदेही की बात की। उसके अलावा देखो रानी का विलेख भी नाम मिलता है अपने को, रानी के विलेख में क्या दान का उल्लेख किया गया, रानी का विलेख मिलता है हमें, उसमें क्या उल्लेख किया गया, दान का उल्लेख किया गया, इसमें दान का उल्लेख यानी दान देने का उल्लेख इसमें किया गया है। तो कुछ सरकारी घोषणाएं की गई इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को दान देना चाहिए, और क्या दान की कुछ बातें की गई, दान देने के बारे में आदर्शवादी बातें की गई है। तो कुछ चार के बारे में मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी कुछ दो चार नाम आपको और मैं लिखवा देता हूँ, जैसे नेट्टूर, ब्रह्मगिरी, कौशाम्बी, सिद्धपुर, एरागुड़ी, ऐसे कुछ नाम आपको मिलते हैं। कौन कौन से नाम दोस्तों आपको मिलते हैं, विषय वस्तु याद रखें दोस्तों आपकी क्या है, वस्तु इनकी लघु स्तंभ लेखों की विषय वस्तु क्या है, इनमें सरकारी घोषणाएं की गई हैं। देखो कुछ नाम और कौन से बताए, नेटूर, जैसे नेटूर में अपने और क्या मिला था, लघु शिला लेख भी मिले थे और लघु स्तंभ लेख भी मिलेगा आपको, नेटूर, ब्रह्मपुरी, ठीक है, सिद्धि शिला, क्या नाम बताए, नेटूर, ब्रह्मपुरी, सिद्धि शिला और सिद्धिपुरा, उसके अलावा क्या मिलता है आपको, उसके अलावा एरागुड़ी, सिद्धिपुरा और एरागुड़ी, इन स्थानों पे और आपके लघु स्तंभ लेखों का वर्णन किया गया है। तो ये दोस्तों अपन ने बात की लघु स्तंभ लेखों के बारे में, तो आपको इनकी विषय वस्तु याद रखनी है और ये ध्यान में रखना है कि लघु स्तंभ लेख कौन कौन से थे, कहाँ पे इनके बारे में कुछ वर्णन किया गया, थोड़ा सा ध्यान में रखें, हो सकता है कि एग्जामर के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। दोस्तों अंतिम अपना है गुहा लेख अथवा पृथक लेख, अब बात करेंगे अपन इनकी, गुहा लेख एवं पृथक लेखों की दोस्तों अपन चर्चा करेंगे, इनकी विषय वस्तु क्या थी, इनके अंदर क्या कहा गया अशोक के द्वारा जनता को, क्या संबोधित किया गया। लास्ट कौन सा है दोस्तों अपने पास, ई मार्क कर रखा है अपने इसे, तो ये कौन से, गुहा लेख अथवा पृथक लेख, गुहा लेख अथवा पृथक लेख। देखो गुहा लेख अथवा पृथक लेखों की बात की जाए तो गुहा लेख का मतलब क्या होता है, गुहा अर्थ क्या होता है, गुहा अर्थ दोस्तों होता है गुफा, और पृथक क्यों कहा गया इनको, यानी कि ये स्तंभ लेखों से कुछ पृथक हैं, इनसे कुछ अलग हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी में पृथक लेख का नाम भी मिलता है। तो ठीक है, दोनों नाम एक ही बात है, एग्जामिनर आपके आपसे अगर पृथक लेख पूछे अथवा गुहा लेख पूछे तो आपको क्या बताना है, एक ही बात, इन तीनों को एक ही बताना है। तो ये इनकी बात अपन करें तो ये कहाँ पे स्थित है, वर्तमान में अपना बिहार है, बिहार के गया जिले में बराबर नाम की पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां दोस्तों, बराबर नामक पहाड़ियों के अंदर
ये आपके गुहा लेक स्थित है, पहाड़ियों में स्थित है। देखो इनकी संख्या, कितनी गुफाओं का निर्माण, कितनी गुफाओं में अशोक के द्वारा ये लेख लिखवाए गए थे या निर्माण करवाया गया था, तो कुल इनकी संख्या कितनी मिलती है, चार इनकी संख्या मिलती है। चार गुफाओं के अंदर अशोक के द्वारा ये वर्णन या लेख लिखवाए गए थे, ठीक है। कौन से उन चारों की चर्चा अपन करेंगे, पहले आपको बताता हूँ कितने, चार गुहा लेख लिखवाए गए थे, उत्कीर्ण करवाए गए या लिखवाए गए। तो दोस्तों चार गुहालेख लेखों की बात अपन ने की, अब वो चार गुहालेख कौन कौन से, उनके नामों की और चर्चा करते हैं। देखो सीधे सीधे नाम है, आपको आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है, सबसे सीधे सीधे नाम मिलेंगे आपको आसानी से याद रह जाएंगे। कौन कौन से मिलेंगे, सबसे पहले करण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कौन कौन से, करण, दूसरा चौपड़, तीसरा दोस्तों कौन सा, सुदामा, और दोस्तों अंतिम कौन सा है, विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी, ठीक है, चार नाम याद रखें। तो करण का नाम आपको आसानी से वैसे याद रह जाएगा, करण कौन थे, कुंती के छठे पुत्र थे करण, इनका नाम आपको वैसे याद रह जाएगा, करण का नाम याद रख लेंगे। चौपड़, चौपड़ का नाम भी आप याद रख पाएंगे शायद, चौपड़ भी एक नाम आप लोगों का अभी सुना हुआ है। सुदामा कौन थे, कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त, कृष्ण के बचपन के मित्र कौन थे, सुदामा, भगवान श्री कृष्ण के, तो सुदामा नाम याद आपको रह जाएगा। झोपड़ी आप लोग सब समझते हैं, ये विश्व की झोपड़ी थी, विश्व झोपड़ी आप नाम लगा लें। तो चार आपको गुहालेखों की संख्या कितनी है, चार आपके गुहालेखों की संख्या है, करण, चौपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी। और इन चारों के बारे में एक बात और आपको याद रखनी है केवल और केवल, और वो बात कौन सी याद रखनी है, इन चारों को कालांतर में अशोक के द्वारा आजीविक संप्रदाय को दान में दे दिया गया, ठीक है। आजीविक संप्रदाय, एक संप्रदाय की बात की थी हमने जब धार्मिक क्रांति की बात की, तो कुछ संप्रदाय का नाम पढ़ा था, और अशोक के पिता से आजीविक संप्रदाय को किसने संरक्षण दिया था, अशोक के पिता, अशोक के पिता का नाम क्या बताया था, बिंदुसार ने, बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। तो कालांतर में इनको क्या किया गया, आजीविक संप्रदाय को दान में दे दी गई। तो ये भी याद रखें दोस्तों, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के चार गुहालेखों को किस संप्रदाय को दान में दे दिया गया। तो जैसे अशोक का, अशोक के राजकीय धर्म क्या था, अशोक का राजकीय धर्म बौद्ध था, और काला उससे पहले क्या था अशोक का धर्म, तो अपन बात करेंगे, धर्म था अशोक का, बाद को बौद्ध धर्म अपनाता है। तो आप, हो सकता है कुछ लोग उसमें बौद्ध धर्म करके आ जाएं अपना आंसर, तो इसलिए ध्यान में रखें कि आजीविक संप्रदाय को दान में दी गई थी, को दान में दे दी गई। तो दोस्तों अपन ने कुछ बात की अशोक के अभिलेखों के बारे में आज की क्लास के अंदर, अपन ने क्या बात की अशोक के अभिलेखों के बारे में दोस्तों, हमने चर्चा की। अब आगे आपको पता है अशोक एक महत्वपूर्ण शासक था मौर्य काल का, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपन अशोक के बारे में और भी को उनके उनका मत कौन सा था, या फिर उनके कौन से अभिलेखों से सबसे पहले पढ़ा गया, कैसे, इन सब के बारे में करेंगे, अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे अगले कक्षा में। अशोक मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, उस समय के कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो काफी लंबा अपना मौर्य काल चलने वाला है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।